नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि कैसे एग्रीकल्चर को हम बेटर कर सकते हैं, और हमारे एग्रीकल्चर हमारे ऐसे व्यूअर्स जो एकदम नए हैं, और अगर वो चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर का सही गाइडेंस हो और किस तरह से हम हमारे एग्रीकल्चर को बेटर कर सकते हैं। अगर आप एक शुरुआती एग्रेरियन है या एक आप शुरुआती एग्रेरियन है जो पहली बार इस एग्रीकल्चर की स्टडी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए है। आपके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बनाया है जो एग्रीकल्चर शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको अवेयरनेस की बहुत कमी है, उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। तो इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। तो आज हम एग्रीकल्चर की शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको कहीं ना कहीं बुक्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि बगैर एग्रीकल्चर बुक्स के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसके लिए हमें बुक्स के साथ थ्योरी के लिए एक थ्योरी पार्ट होता है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, और एक हमारा जो रिटर्न टेस्ट होता है। इस तरीके से हम एग्रीकल्चर को बेटर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए जो सबसे बड़ा है वो है बुक्स ऑफ कलेक्शन। मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, हर कोई बुक्स बना के बेच रहा है, पर हमें एक आधार बुक की आवश्यकता होगी कि कौन सी ऐसी बुक है, वह बुक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो आज मैं आपको एक छोटा सा कलेक्शन बुक्स का बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको सही गाइडेंस होगी और फ्यूचर में आपको कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करेगी। तो यहाँ पर मैं एक बुक का नाम बता रहा हूँ। दिस इज द बुक, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत ही अच्छी बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट बुक इस पर लिखा हुआ है, दो तरह की इसकी आती है। इस बुक से आपको शुरुआत करना चाहिए सबसे पहले, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रोवर्स हैं और कृषि को सबसे पहले जानना चाहते हैं और आपके पास कुछ भी मैटर नहीं है, उस सिस्टम में सबसे अच्छी बुक जो है वो ये है। अरुण कत्यायन ने इसको लिखा हुआ है, और इसका हिंदी वर्जन भी है और अंग्रेजी वर्जन भी है, वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड। यह बुक जो है आपके एग्रीकल्चर को, बेसिक एग्रीकल्चर आपका अच्छा करती है, और ऐसे व्यक्ति जो पीएससी यूपीएससी और रिटर्न टेस्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक ये मानी जाएगी। तो एग्रीकल्चर के लिए आपकी एक बुक है, इस बुक को आप ध्यान रखिए, और सबसे फर्स्ट अगर आप एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो इस बुक से स्टार्ट करिए। यह बुक आपके बेसिक को, आपके थ्योरी पार्ट को सबसे ज़्यादा बेटर बनाएगी। इसके बाद मैं दूसरी आपको बात करना चाहता हूँ एग्रीकल्चर में, तो दो तीन बुक्स हैं यहाँ पर। इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ इस बुक्स के बारे में, ये बुक है बहुत महत्वपूर्ण बुक है एग्रीकल्चर, जो हमारी क्वेश्चन से रिलेटेड बुक है, और इसको आई 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 के जितने भी व्यक्ति हैं जो हमारे रिसर्चर्स हैं, और कम से कम 20 साइंटिस्ट ने इसको बनाया हुआ है, और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव में इस बुक को आप जरूर पढ़ें। एग्रीकल्चर क्वेश्चंस नए ग्रोवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है, और इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम से लिए जाते हैं। ये बुक भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत अच्छी होने वाली है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बुक है उस बुक के बारे में मैं बताना चाहूँगा। दिस इज द नेक्स्ट बुक, और ये बुक है कृषि एवं प्रौद्योगिकी। यह एक बिल्कुल हिंदी में लिखी गई बुक है, और यह एग्रीकल्चर के सारे विषय को कवर करती है और कहीं ना कहीं हमको फायदा देती है। तो हमको इस बुक को भी ध्यान रखना पड़ेगा, इस बुक थर्ड नंबर पे हमको इस बुक पे रखना है। ये बुक भी कहीं ना कहीं हमारे कृषि के बारे में जानकारी देते हैं, और इसमें सारे विषय लगभग कवर हैं। तो इस बुक को आप जरूर परचेस कर सकते हैं मार्केट से। इसके बाद एक जब आप अरुण कत्यायन जैसे बुक्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो एक छोटी सी बुक आती है उसका नाम है जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर इसमें न्यू वर्जन इसका आ गया, अभी ये 17th है, लेकिन इसका 25 तक का वर्जन आ चुका है। इस बुक के माध्यम से भी आप अपनी स्टडी को बेटर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस बुक को भी आप ध्यान रख दें। ये बुक जो है मुश्किल से आपको सस्ते में मिल जाएगी, 100-200 रुपए की है। और इसके बाद अगर हम अब ये जो बुक्स हैं, इन बुक्स में हमारा मैंने देखा है इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद कि इतनी सारी बुक्स में पढ़ने के बाद इसमें हम पूरा मैटर कवर नहीं होता है। और मैंने मैक्सिमम देखा है कि एक हॉर्टिकल्चर स्टेटिस्टिक्स और हॉर्टिकल्चर, ये दो जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट्स हमको अलग से ही पढ़ना पड़ेंगे, इनका सीरियस मैटर कहीं नहीं है। पर हाँ, हॉर्टिकल्चर के लिए आप ऐसे गुप्ता जी की बुक है जो हमारे पास रखी हुई है, उस बुक को जरूर ला के आप पढ़ सकते हैं, वृहद नॉलेज है। इसके बाद एक और है राणा जी की,
जो 100 नंबर सौ 150 रुपये में आपको जरूर मिल जाएगी वो ये है। पुष्पेन कुरमा उद्यानिकी के सारभूत तत्व, उद्यानिकी के सारभूत तत्व ये आपको बहुत अच्छी गाइड करेंगे और कहीं ना कहीं आपको फायदा देगी। और अगर आप हॉर्टिकल्चर स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहते हैं, उद्यानिकी में मास्टर करना चाहते हैं, उद्यानिका का थोड़ा नॉलेज चाहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर के लिए जो ये सबसे बेस्ट बुक है, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर एस एन गुप्ता की बुक है। और इस बुक में सारी वो चीज़ें उपलब्ध है ब्रीफ में, जो आपको मार्गदर्शन देगी और कहीं ना कहीं आपको फायदा देगी। तो इस तरह से ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। जब आप अरुण कात्यायन खत्म हो जाती है, जब आप अरुण कात्यायन बुक को खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट बुक्स होगी उस बुक्स को प्रिफर करना चाहिए। और वो बिक्स है एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस नाम की जो पुस्तक है शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में भी कुछ मिस्टेक्स हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बुक है जो आपको थोड़ा सा मैटर एक्स्ट्रा देगी अरुण कात्यायन से, क्योंकि अरुण कात्यायन में 100% तो नहीं है, पर उसके बाद आप इस बुक को पढ़ें। जब ये बुक आपकी कवर हो जाती है उसके बाद इस बुक को पढ़ सकते हैं, नेमराज टुंडा के द्वारा लिखी गई बुक है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये दो तीन प्रकार की बुक्स हैं। इन बुक्स को आप, इतनी बुक्स को जब आप पढ़ोगे तो आपका नॉलेज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बेटर होगा। और जब लगातार आप एग्रीकल्चर को पढ़ते जाएंगे लगातार उसको, तो आपका माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एग्रीकल्चर बैठ जाएगा, जिससे लंबे समय तक आप याद कर पाएंगे। ऐसी तमाम चीज़ें और हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, पर जरूरी है कि जो ग्रोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। तो आज की इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको आगे का नॉलेज मिलता रहे। धन्यवाद।